हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस रिपेयर में। दोस्तों, आज हम एक पुराना सीलिंग फैन है जिसे इंस्टॉल करने वाले गाइस। ये सीलिंग फैन पहले इसी रूम से निकला था गाइस, अब वापस ये इसी रूम में लग रहा है क्योंकि इस रूम में पहले पेंटिंग वेंटिंग का काम रह गया था, बैलेंस रह गया था, इसलिए अब वो पंखा निकाला था हमने, अब इसे वापस लगाना है गाइस। तो ये पंखा लगाने के लिए गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास मोटर है, ये इसकी साइकिल है गाइस, पंखे की साइकिल बोलते हैं इसको, ये डंटी है हमारे पास और ये उसकी कटोरी है गाइस। उसके लिए हमारे पास जो दोस्तों अब हमारे पास जो इसके औजार की जरूरत है गाइस, वो हमारे पास टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर और प्लायर है गाइस। जब इसकी सहायता से हम इसे लगाएंगे तो गाइस सबसे पहले हमने जो इसके स्क्रू पहले लगा रखे थे गाइस, इसे ओपन कर लेते हैं गाइस। हमने इसके स्क्रू ओपन कर लिया, अब हमें यहाँ पे इसकी ब्लेड लगानी है गाइस। ब्लेड लगाने का तरीका यही है गाइस, ये इस तरफ ऐसे सीधा रहता है, ये तरीका है ब्लेड सीधा रखने का। हम यहाँ पर इसे फिट कर देंगे सो गाइज, हमने इसकी ब्लेड है वो फिक्स कर दी है। अब ब्लेड फिक्स करने के बाद अब हमें इसे इसकी रोड लगानी है गाइज। ये रोड है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, रोड के साथ साथ हमारे पास ये इसका नेप भी है। तो गाइज ये जो नेप लगा रहे हैं हम, इसी तरीके से हम नेप लगा देंगे, जो लिखा हुआ गाइज वो हमारा ऊपर की तरफ रहेगा गाइज। ये नेप लगाने के बाद हमें इस वायर को इस तरीके से डालना है, एक इस तरफ से गाइज, ये देख सकते हो आप, ये हमारे पास है रोड में दो होल है गाइज, इस इन्हीं होलों से हमें डालना है। दो होल से, आप चाहे तो एक होल से भी डाल सकते हैं, दो होल से अगर समस्या आ रही डालने में तो हम एक ही होल से डाल देते हैं गाइज। ये हमें इसके ढक्कन लगाने से पहले ही इसकी वायर पहुंचानी होती है, एक बार अगर आपने वायर पहले ही पहुंचा दिया तो आपका ये ढक्कन नहीं लगेगा, इसलिए हम ढक्कन। इतना काफ़ी है हमारे पास ये वायर, नीचे के लिए भी इतना काफ़ी है, तो इसके बाद हम इस वायर को कट कर देंगे। अब गाइस हम इसे इस तरीके से लगा देंगे। ये नट हमें लगा देनी है यहाँ पर, इस नट को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना गाइज। इस नट को लगाने के बाद आपको इस कील को जरूर लगाना गाइज, ये जो कील है हमारे पास, इस कील को भी लगाना है नट लगाने के बाद ही। ये देख सकते हैं हम ये किल लगा रहे हैं अभी, किल लगा के अंदर फैला देनी है किल को। अब इसका कनेक्शन भी हम कर ही देंगे नीचे से। इसके टेस्टर की सहायता से गाइस हमें इसके नट खोल लेने, इसके जो ये कनेक्शन है गाइस, जिसे हमें थोड़ी लूज कर लेनी है, इस स्क्रू वाले कनेक्शन को, और अब हमें इसमें वायर लगा देना है इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पर हमने अपने वायर के कनेक्शन भी कर दिए गाइस, आप देख सकते हो। अब हमें इसे नेट को नीचे ला देना है गाइस, यहाँ तक हमारा काम खराब हो गया गाइज। अब हमें ऊपर में साइकिल लगाना है इसका, कई बार हमें ये साइकिल बाद में लगानी पड़ती है ऊपर में, पहले हमें रड लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमारा ओपन सीलिंग लिंग है गाइज, इसलिए हम ये नीचे ही सारा सेटिंग तैयार कर लेते हैं। अगर आपका कोई और सिचुएशन है गाइज तो उसमें हमें सिर्फ पहले डंडी डालनी पड़ती है, उसके बाद ऊपर से पंखा लगाना पड़ता है। सो गाइज ये फैन हमारी पूरी तरीके से फिटिंग हो चुकी है, अब हम इसे छत पे टांग देते हैं गाइज और उसके बाद ऑन करते हैं गाइज। अब हम इस पंखे को ऊपर टांग रही है, हमारा सीलिंग पे फैन लगा हुआ है गाइज, तो इस तरीके से हमें बस लगा देना है इसे। अब हमें इस
वायरों को मैंने पहले छील रखा था गाइस, इन्हें एक साथ जॉइंट कर लेना है। गाइस हमने इसके ऊपर टेप लगा दिया, अब हमें वो पीकर गाइस इसका हमको इस तरीके से फिक्स कर देना। ये लूज हो गया इसलिए हम इस पर टेप लगाएंगे, जैसे कि नया फैन होता है गाइस, नए फैन पे ये टाइट होने वाला स्क्रू भी सिस्टम आता है और ये टाइट भी रहता है नए पंखे का। सो गाइस अब मैं इस फैन को ऑन कर रहा हूँ।